दुर्गापुर के सुभाषपल्ली इलाके में भाई द्वारा बहन को गोली मारे जाने के मामले में आया नया मोड़। पुलिस ने गोली लगने से घायल हुई महिला के बड़े बेटे को किया गिरफ्तार। आरोपी को दुर्गापुर अदालत से भेजा गया 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के सुभाषपल्ली इलाके में भाई द्वारा बहन को गोली मारे जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल पुलिस ने गोली लगने से घायल हुई बेबी उपाध्याय के बड़े बेटे विक्रम दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गोली मारने के मामले में मुख्य अभियुक्त आरजू उपाध्याय अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने विक्रम दुबे को गिरफ्तार कर दुर्गापुर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत याचिका खारिज कर 8 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को आरजू उपाध्याय ने दिन दहाड़े अपनी बहन बेबी उपाध्याय को गोली मार दी थी। गोली लगने से घायल हुई बेबी उपाध्याय का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि कुछ समय पहले बेबी उपाध्याय के पति की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने सुभाष राय नामक युवक के साथ शादी कर ली थी। इस शादी को लेकर बेबी उपाध्याय का भाई आरजू उपाध्याय नाराज था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दूसरी शादी किए जाने से नाराज होकर ही आरजू ने अपनी बहन को गोली मारी थी। हालांकि इस घटना में विक्रम दुबे ने अपनी संलिप्तता से साफ इनकार किया है और उसने दावा किया कि आरजू उपाध्याय के साथ सिर्फ उसका उठना बैठना होता था, इस गोलीकांड से उसका कोई संबंध नहीं है। विक्रम दुबे ने भी स्वीकार किया कि उसकी मां बेबी उपाध्याय द्वारा दूसरी शादी किए जाने से आरजू उपाध्याय काफी नाराज था। ठीक है, सब हिसाब दी देव की 10টা থেকে 1টা অবধি কোথায় ছিলাম। আমি যখন ঘর যাই আসার পথে দেখি আমার ঘরের সামনে ভিড় আছে, দেখি আমার মাকে কেউ মামা মেরে পালিয়ে গেছে। তখন শুনেছি আমি, তুমি কে হও? আমি যে আমার যে মেরেছে ওর আমি ভাগ্নে ভাই, আর যে মারা যাকে মেরেছে ওর আমি ছেলে, বড় ছেলে। আচ্ছা, কি নাম তোমার? বিক্রম দুবে। তো তোমার জানা নেই কি কারণবশত তোমার মামা এরকম ঘটনা ঘটিয়েছে? হ্যাঁ, কারণ হতে পারে ওই যে নতুন বিয়ে করেছে, আমার বাবা মারা গেছে, 1 মাস পরে 1.5 মাস পরে বিয়ে করে নিয়েছে, হয়তো এটাই কারণ হবে। কি তুমি এত বড় জোয়ান ছেলে আছে, একটা ইয়ে আছে, একটা সেন্টি দিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে। আমি বারবার বললাম স্যারকে কি স্যার আমাদের একটা খানদানে একটা আলাদা রেসপেক্ট আছে স্যার, তো ওই জন্য হয়তো রাগের মাথায় মেরে দিয়েছে। দুর্গাপুর সে সাধন রুচ কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।